कोटा से है नगर निगम चुनाव 2020 और कोटा दक्षिण के लिए भी 80 वार्डों के लिए वोटिंग हो रही है सुबह 7:30 बजे से। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बोर्ड बनने का यहां दावा कर रही हैं। दोनों प्रमुख पार्टियों सहित इस बार 289 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3,76,000 से भी अधिक मतदाता कोटा दक्षिण में है। 1,82,000 महिला मतदाताओं की संख्या, साथ ही 89 महिला प्रत्याशी भी मैदान में यहां उतरी हैं। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तो देखिए 3 नवंबर को ही होगा, तस्वीर 3 नवंबर को ही साफ होगी, लेकिन अपने मत का प्रयोग करने को लेकर लोग किस तरीके से जागरूक हैं वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। बुजुर्ग हो युवा हो, लेकिन खास बात और बेहद सराहनीय बात बुजुर्गों की ओर से है कि किस तरीके से यूथ के सामने एक एग्जाम्पल वहां पर सेट किया जा रहा है। तबियत ठीक नहीं है, उम्र बहुत हो चुकी है, ढंग से चला नहीं जा रहा, चलने में असक्षम है, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और कहना यही कि हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है मतदान करना, बाकी जो जिम्मेदारी है वो जनप्रतिनिधियों के ऊपर है। तो कोटा दक्षिण के लिए भी 80 वार्डों के लिए वोटिंग लगातार। कोटा नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण में आज कोटा दक्षिण में मतदान होना है और मतदान प्रक्रिया जारी है। सामने की तस्वीरें दिखाएंगे आपको, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के जो बैनर लगे हुए हैं, साथ में 200 मीटर की जो लाइन बनाई है जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार, उस गाइडलाइन के अनुसार नगर निगम की टीम ने पूरा सर्वे करके 200 मीटर की ये लाइन खींच दी है। इसके बाहर ही प्रत्याशी रहेंगे, मतदान केंद्र के पास प्रत्याशी नहीं पहुंच पाएंगे। कोटा नगर निगम में आज 80 वार्डों के लिए वोटिंग होनी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां निगम में बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। दोनों ही पार्टियों में निर्दलीय सहित 179 उम्मीदवार कोटा नगर निगम दक्षिण के चुनाव में अपनी भाग्य की अजमाइश कर रहे हैं। 3,76,000 से अधिक मतदाता कोटा दक्षिण में हैं। 1,82,000 महिलाएं हैं और 89 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह ओम बिरला ने यहाँ पर, लोकसभा जो स्पीकर हैं, उन्होंने यहाँ पर मतदान डाला, शक्तिनगर केंद्र पर पहुँचे और वो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला मतदान डाला। ओम बिरला ने जिस तरह से कहा था कि जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो देखिए जिला प्रशासन ने किस तरह से पूरे वार्ड में वाइट लाइन की हुई है, उन वाइट लाइन के अनुसार ही यहाँ पर मतदान करने जो लोग आएंगे उनका स्वागत करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र है, मतदान केंद्रों पे सुबह का समय है, सुबह के समय में काफ़ी कम भीड़ है और अभी जो मतदान करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनमें कम रुचि है और साथ में जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा उस तरह से लगातार मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। धीरे धीरे जब प्रतिशत बढ़ेगा तो ये प्रतिशत लगातार बढ़ता जाएगा। अभी जो मतदान है सुबह 7:30 बजे का समय है, 7:30 बजे जिस तरह से मतदान होना है उस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मतदान केंद्र 200 मीटर की दूरी पर बनाया गया है, उसके साथ ही यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अभी भी अपने जो पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील जो लगातार वो कर रहे हैं। साथ में जो मतदान केंद्र है वहाँ पर अनुकूल व्यवस्था है, कोरोना काल है, कोरोना काल को देखते हुए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को ये भी भय है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मतदान करवाया जाए। सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो मतदान केंद्र है जहाँ पर मतदान होना जारी है और साथ में पुलिस प्रशासन के और यहाँ पर जो जिला निर्वाचन विभाग है उसकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ पर जैसे जैसे मतदान का समय बीतेगा, मतदान का समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर आपको लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलेगी। जिस समय यहाँ पर अभी सांसद ओम बिरला ने वोटिंग की है और लोकसभा स्पीकर यहाँ कोटा दक्षिण में मतदान करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि मतदान करना एक आम नागरिक का कर्तव्य और आम नागरिक के कर्तव्य को निभाने के लिए ये जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के अंतर्गत यहाँ पर मतदान होना है। महिलाएं और पुरुष मतदान के लिए जुटने लगे हैं। ये सामने की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये वो लोग हैं जो मतदान के लिए पहुँच रहे हैं। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पर लोगों की काफ़ी कम भीड़ है। जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर कुछ गोले बनाए हुए हैं, इन गोलों के अनुरूप ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोग पहुँचेंगे और अपने मतदान का प्रयोग करेंगे।
इस मतदान के लिए मतदान एक महत्वपूर्ण है। नगरीय इकाई चुनाव के लिए मतदान इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि जनता को अपनी शहरी सरकार चुननी है, और शहरी सरकार चुनने के लिए जो लोग अपने भाग्य को अजमा रहे हैं उनके लिए ये कड़ी परीक्षा का समय है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा से। तो कोटा दक्षिण के 80 वार्डों के लिए वोटिंग हो रही है और लगातार सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। कोटा की अगर बात करें तो सुबह का समय है और ऐसे में कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। बात अगर पहले चरण के चुनाव की करें, मतदान की करें, तो उस समय भी ऐसी तस्वीरें आई थी, सुबह लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे। बात अगर कोटा की करें, भाजपा कांग्रेस दोनों ही वोट बनने का दावा यहां पर कर रहे हैं। दोनों प्रमुख पार्टियों सहित इस बार 289 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन जो फैसला है वो 3 नवंबर को होगा। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता के हाथ में है।